फाइनली मर गई वो। अब सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया, निधि अब से कुछ दिनों के लिए इसी घर में रहेगी। इज्जत करता हूँ आपकी, इससे लिहाज रखा अब हर पार कर रही हूँ, और ये मेरे और निधि के बीच की बात है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर। बच्ची हो ना तो बचपन में रहो, बड़ों से सर्कल करने की जरूरत है तुम्हें। मुझे वो करने में मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। निधि मेरी होने वाली बीवी है, उसका पूरा हक है इस घर पे। चाहे इन हाथों से मैंने अपनी जिंदगी अपनी दुनिया उजाड़ दी, यही वो जगह है जहां पर एक पल में सब खत्म हो गया। तुम एक खोकर एक नए रमन को पैदा किया था मैंने, और वो रमन किसी का नहीं, सब नफरत करते उससे। जब अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ी है तो मुझे नहीं लगता इस रमन किस दुनिया में रहने का भी कोई हक। तुम्हारे बिना मेरी कोई दुनिया नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं।
बिना तो एक पल भी नहीं रहते बनता है रमन। पता मैं जी नहीं पा रही थी आपके बिना। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां मजे कर रहा था? आप बच्चे रमन के बिना मैं क्या करता? फांसी का बूंदा तुम्हारे इतने करीब आ गया था, बस और कोई रास्ता? मुझे मालूम है सब, जानती नहीं हूँ क्या? आई नो आपने जल्लाद को अपनी तरफ किया होगा, इसलिए उसने वो फांसी का फंदा लूज रखा होगा। और पीछे का रास्ता भागने का कैसे, वो कैसे रेडी था? ऑब्वियसली आपने कुछ किया होगा, उससे करवाया होगा, इसलिए तुम आसानी से भाग पाई। लेकिन रमन, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता? तुम्हें खो नहीं सकता, और किसी और को पता चल जाता तो कोई देख रहा था। अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता तो तुम्हारी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर सकता। हिंट तो दी होती है मुझे, कुछ तो मुझे बताया होता। आपको पता है मरने का डर नहीं था, मरने तो वाली थी ना मैं फांसी के फंदे पे। आपको पता मैं तिल तिल करके अब मर गई जब आप मुझे गुस्से से नफरत से देख रहे थे। मुझे लगा मेरे पति की आंखों में इतनी नफरत, तो वही वही जीते जी मर गई रमन।